अगर आप बैंक एम्बुलेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये बैंक कंप्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ, उसको भेज देना है 9649000030 के ऊपर और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स को मॉड्यूल ऑफ, दैट इज अबाउट द गाइडलाइंस ऑन कस्टमर सर्विस एंड अदर फैसिलिटीज। इसका हमने यूनिट 1 शुरू करा था, दैट इज रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑन कस्टमर सर्विसेज। इसके अंदर अभी तक हम कस्टमर सर्विस कमेटी के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके रोल्स, स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में पढ़ चुके हैं, कस्टमर सर्विस के रिलेटेड बोर्ड के अप्रूव्ड पॉलिसीज क्या होने वाली उन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं, कस्टमर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशन क्या है बैंक्स की टुवर्ड द कस्टमर्स उसको हमने देखा, सेविंग अकाउंट में दी जाने वाली फैसिलिटीज, टर्म डिपॉजिट अकाउंट के रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज दी जाती है उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस को देखा, रेमिटेंसेस के रिगार्डिंग गाइडलाइंस को देखा, डिमांड ड्राफ्ट्स, कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड क्लीन नोट पॉलिसी को देखा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सेफ डिपॉजिट लॉकर्स के केस में किस तरीके से डीलिंग करी जाएगी, इनकेस डेथ हो जाती है किसी पर्सन की तो डिपॉजिट के अंदर जो भी आर्टिकल्स या जो भी पैसा जो कुछ भी सामान पड़ा वो किस तरीके से क्या करा जाएगा, नॉमिनीज को ट्रांसफर करा जाएगा, हमने उसकी गाइडलाइंस को देखा था। उसके बाद हमने कस्टमर को किस तरीके से गाइडलाइंस दी जाएगी या किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करा जाएगा, जिसके अंदर हमने मेजरली नोटिस बोर्ड के रिगार्डिंग जो जो प्रोविजंस थी कि नोटिस बोर्ड पर अपने क्या 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 इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, नोटिस बोर्ड का साइज क्या होगा, क्या डिजाइन होगा एक्सेट्रा, वो आप क्या उस चीज के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस थी हमने उसको देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि पब्लिक डोमेन के अंदर किस तरीके से इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करा जाएगा, इसके अंदर जो हमने मेनली डिस्कस करा था दैट इज अबाउट द वेबसाइट्स की, वेबसाइट्स के ऊपर ये सेम इन्फॉर्मेशन किस तरीके से पब्लिश होगी। उसके बाद जो कस्टमर की कंप्लेंट्स होगी या उनको किस तरीके से डील करा जाएगा ताकि कस्टमर रिलेशंस को क्या करा जा सके, इंप्रूव करा जा सके, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। आज के लेक्चर के अंदर हम अपना ग्रीवेंस रिड्रेंसल मैकेनिज्म जो एक बैंक को फॉर्म करने की जरूरत है उसको देखेंगे, उसके अंदर जो भी नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करे जाएंगे उनके डिस्प्ले ऑफ नेम्स किस तरीके से करेंगे और कहां पे करेंगे हम उस चीज को देखेंगे। उसके बाद जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगी पब्लिक सेक्टर बैंक की उनका रिव्यू किया जाता है वो किस तरीके से होगा। उसके बाद एक अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है बीएसबीडीए अकाउंट। बीएसबीडीए अकाउंट इज बेसिकली ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनके अंदर मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये पहले नो फ्रिल अकाउंट्स के नाम से चलते थे बट अब उनको कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया है, बीएसबीडीए अकाउंट्स को बीएसबीडीए अकाउंट्स कर दिया गया है। उसके बाद इन केस एटीएम के कोई अंदर ट्रांजेक्शन करवाने आता है और उसके एटीएम के ऊपर ट्रांजेक्शन की फेलियर हो जाती है, उस केस में उसको रिफंड देने की जो प्रोविजन है उसके ऊपर क्या टाइम लिमिट एप्लीकेबल है हम उसको देखेंगे कि बेसिकली कितने टाइम पीरियड के अंदर आपने क्या करना है, कस्टमर को पैसा वापस कर देंगे। उसके बाद बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स के लिए कोड बनाया गया है, वो कोड किस तरह से बैंक इंप्लीमेंट करेगा या कोड के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूडेड है हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट बिजनेसेस लाइक कुछ पेमेंट्स या रिसिप्ट्स होती हैं जो बैंक्स क्या करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे करते हैं, उन पेमेंट्स या रिसिप्ट्स को फैसिलिटेट करवाने के लिए बैंक्स क्या क्या प्रोविजंस लेंगे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे, हम उन चीजों को और ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो आज हम सबसे पहला अपना जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द ग्रीवेंस रिडेंसल मैकेनिज्म उसको शुरू करते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब, ग्रीवेंस मतलब आपको कोई भी कंप्लेंट है, रिड्रेसल मतलब उसको सोल्व करवाना, मैकेनिज्म मतलब उस चीज को सोल्व कराने के लिए मशीनरी प्रोवाइड करना। सो बेसिकली ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या हुआ, एक मशीनरी प्रोवाइड करना जिससे कस्टमर की जो भी ग्रीवेंसेज हैं जो भी कंप्लेंट्स है उसको क्या करा जा सके, रिजोल्व करवाया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए बैंक्स को क्या करना है, एक सुटेबल मैकेनिज्म बनाना है ताकि जो भी ग्रीवेंसेज है उसको एड्रेस करा जा सके एंड टाइमली बेसिस पे, फेयरली बेसिस पे एंड एक्सपीडिशियसली, मतलब जल्दी से जल्दी क्या करा जा सके, इन कंप्लेंट्स को रिजोल्व करवाया जा सके। उसके साथ साथ बैंक्स को एडवाइस किया गया है कि जो हमने कंप्लेंट रजिस्टर पढ़े थे इन द पॉइंट नंबर 15 वो आपको क्या करना है, सभी प्रोमिनेंट प्लेसेस पे रखने हैं ताकि किसी भी कस्टमर को अगर कोई कंप्लेंट है वो अपनी कंप्लेंट क्या कर सके, कंप्लेंट रजिस्टर के अंदर मेंशन कर सके। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, कंप्लेंट्स के एक्नॉलेजमेंट का भी एक सिस्टम बनाना है, वो चाहे आप कर सकते हो टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में भी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी और फिजिकल फॉर्म के अंदर भी। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, अपने एक टाइम फ्रेम फिक्स करना है कि अगर आपको कोई ग्रीवियंस है आपने उसकी कंप्लेंट्स को लॉन्च करा है तो कितने टाइम पीरियड के अंदर जो आपकी कंप्लेंट है उसको रिजोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को यह भी इंश्योर करवाना है कि जो भी कंप्लेंट्स के लिए वो मैकेनिज्म बना रहे हैं उसके अंदर ऐसी कंप्लेंट्स जो कि रूरल एरिया से आ रही हैं या प्राइवेट सेक्टर से आ रही हैं, गवर्नमेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के थ्रू आ रही हैं, उन कंप्लेंट्स को भी रिड्रेस किया जाए। ये इंस्ट्रक्शन अलग से देने का पर्पस ये था जो कि ये सेक्टर्स हैं लाइक रूरल सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर, गवर्नमेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, दीज सेक्टर्स आर
मेंट फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनका जो पर्पस है वो ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को क्या करा जा सके, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सके, ठीक है। तो जो ये सेक्टर्स होते हैं ये एक बैंक के लिए कंपैरेटिवली लेस प्रॉफिटेबल होता है, तो जनरली बैंक्स एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस जो बैंक कर रहा है, तो हो सकता है कि वो इन सेक्टर्स को क्या करते, इग्नोर करते। तो इसलिए स्पेशल प्रोविजन डालेगी कि ऐसे सेक्टर से आने वाली कंप्लेंट्स को भी आपने क्या करना है, रिड्रेस करना है, जैसे आप बाकी की कंप्लेंट्स को कर रहे हो, सेम कंप्लेंट इन कंप्लेंट्स को भी आपने डील करना है। उसके बाद बैंक्स को यह भी करना है कि जो भी उनके नोडल ऑफिसेज होंगे या जो भी उनके ऑफिशियल्स होंगे जो कंप्लेंट्स को रिड्रेस करेंगे, उनके नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल एटसेट्रा सब कुछ आपने क्या करना है, प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना है, ताकि अगर कोई पर्सन को उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की जरूरत है वो प्रॉपरली बेसिस पे, टाइमली बेसिस पे क्या कर सके, कनेक्ट कर सके, एंड जो आपका रिड्रेसल मशीनरी है उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ सके। उसके बाद जो नेम ऑफ ऑफिशियल डिस्प्लेड एट द ब्रांच हु कैन बी कनेक्टेड फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट शुड ऑल्सो इंक्लूड नेम एंड डिटेल्स ऑफ द कंसर्न्ड नोडल ऑफिसर। बेसिकली एक हमने पढ़ा था बैंकिंग अंबड्समैन होता है जो क्या करता है, बैंकिंग से कंप्लेंट, बैंकिंग के रिलेटेड कंप्लेंट्स को डील करता है। तो जब आप अपने नोडल ऑफिसर का नाम डिस्क्लोज कर रहे हो उसके साथ साथ आपको क्या, जब अपने ऑफिशियल्स का नाम डिस्क्लोज कर रहे हो उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपने नोडल ऑफिसर का नाम भी डिस्क्लोज करना है। उसके बाद जो ये सेम इन्फॉर्मेशन आपको क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर भी दिखानी है, वेबसाइट के ऊपर भी डिस्प्ले करनी है। उसके बाद बैंक्स क्या कर सकते हैं, सॉरी बैंक्स को क्या करना है, अपने एमडीज और सीईओ का नाम और उनको किस तरीके से कंडक्ट किया जा सकता है उसकी डिटेल भी देनी है, ताकि इन एनी केस अगर ऑफिशियल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट उनसे जाके कंडक्ट कर सको। उसके बाद बैंक्स को हमने एक प्रोविजन पढ़ी थी कि बैंक्स को क्या करना है, जब वो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को पब्लिश कर रहे हैं तो फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करते साथ साथ उन्हें क्या करना है, जो भी उनके पास कंप्लेंट्स आई हैं उसकी रिगार्डिंग उन्हें कुछ डिटेल्स देनी है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था जिसके अंदर था कि आपकी पेंडिंग कितनी थी, उसके बाद करंट ईयर में कितनी आई, आपने कितनी रिड्रेस कर दी और कितनी पेंडिंग रहेगी, ये सारी चीजें क्या करनी है आपको अपने फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ पब्लिश करनी है, ठीक है। उसके बाद इस जो भी आप ये स्टेटमेंट प्रोवाइड करोगे इसके अंदर सारी की सारी कंप्लेंट्स होनी चाहिए, चाहे आपको ब्रांच लेवल पे मिली हो, चाहे हेड ऑफिस पे मिली हो, चाहे कंट्रोलिंग लेवल पे मिली हो, सारी की सारी कंप्लेंट्स क्या करनी है आपने इसके अंदर डिस्क्लोज करनी है। उसके बाद अगर ऐसी कोई कंप्लेंट्स हैं जो आपने अगले ही दिन सॉल्व कर दी हैं, विद इन द नेक्स्ट वर्किंग डे अगर आप वो कंप्लेंट सॉल्व हो चुकी हैं, तो उन कंप्लेंट्स को क्या नहीं करना, आपने स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करना। ये प्रोविजन लाई क्यों गई, बेसिकली ये प्रोविजन क्या कर रही है, बैंक को एक तरह से इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है कि सपोज अगर आपके पास एक कंप्लेंट है, अगर आप उसको एक दिन के अंदर सोल्व कर देते हो तो हम आपको उसको ये नहीं कहेंगे कि आपको उसको डिस्क्लोज करना है, तो इट कैन बी एक्ट एज अ इंसेंटिव फॉर द बैंक, जिससे क्या हो कंप्लेंट्स नेक्स्ट डे ही रिजोल्व हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ऐसी कंप्लेंट्स है जो एक महीने तक रिड्रेस नहीं हुई है तो बैंक्स को क्या करना है, उसकी कंप्लेंट की कॉपी बनानी है, एंड जो भी नोडल ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया है अंडर द बैंकिंग अंबड्समैन स्कीम उसको आपने क्या करनी है, वो कॉपी प्रोवाइड कर देनी है। हम उसको कॉपी प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं, ताकि जो नोडल ऑफिसर है वो उस कंप्लेंट को जिस तरीके से भी डील करना चाहता है वो उसको डील कर सके। उसके साथ साथ बैंक्स क्या करना है, कस्टमर्स को उनके राइट्स के बारे में बताना है कि अगर जैसे आपने हमें कंप्लेंट दिया, हमने एक महीने के अंदर रिजोल्व नहीं करी है, तो आप क्या कर सकते हो, बैंकिंग अंबड्समैन के पास जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप कंप्लेंट रिजोल्व कर दोगे, कंप्लेंट रिजोल्व करने के बाद आप क्या करोगे, कस्टमर को एक फाइनल लेटर दोगे कि आपकी ये कंप्लेंट थी, हमने इसको क्या कर दिया है, रिड्रेस कर दिया है। उसके अंदर भी आपने ये चीज मेंशन करनी है कि अगर आपको हमारा रिड्रेसल पसंद नहीं आया है तो जो भी आप, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी कंसर्न बैंकिंग अंबड्समैन है उसके पास जा सकते हो, उसकी जो डिटेल है वो भी क्या करनी है आपको उस लेटर के अंदर देनी है। उसके साथ साथ बैंक्स की ये जिम्मेवारी होगी जो भी उनका ग्रीवेंस रिटेंशन मैकेनिज्म है उसको वाइडली पब्लिसाइज करना है, पब्लिक को बेसिकली उसकी नॉलेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सो दीज वर द प्रोविजन रिगार्डिंग द ग्रीवेंस रिटेंशन मैकेनिज्म। इसमें बेसिकली क्या क्या, आपको एक मैकेनिज्म बनाना है जिससे ग्रीवेंस को क्या करा जा सके, रिड्रेस करा जा सके। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोमिनेंट प्लेसेस अपने कंप्लेंट रजिस्टर्स रखने हैं, कंप्लेंट जो आएंगे उसको एक्नॉलेजमेंट करने का सिस्टम बनाना है, जो कंप्लेंट्स आई हैं वो कितने टाइम के अंदर रिजोल्व होंगी उसका एक टाइम फ्रेम आपने फिक्स करना है। उसके बाद जो भी कंप्लेंट्स होगी आपने ये इंश्योर कराना है रूरल एरियाज, प्रायोरिटी सेक्टर एंड गवर्नमेंट एलिवेशन प्रोग्राम से आने वाली कंप्लेंट्स भी क्या हो, रिड्रेस हो। उसके बाद आपने अपने ऑफिशियल्स एंड नोडल ऑफिसर्स का नाम क्या करना है, प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना है, ताकि उनको प्रॉपरली एंड टाइमली बेसिस पे क्या करा जा सके, कंटेक्ट करा जा सके। सेम इन्फॉर्मेशन आपको क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिश करनी है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, अपने एमडी और सीईओ की डिटेल्स भी आपने दिखानी ऑन योर वेबसाइट। उसके बाद जो भी आपको कंप्लेंट्स आई हैं सारी की सारी कंप्लेंट्स आपने क्या करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करते वक्त आपको उस चीज का डिस्क्लोजर देना है। उसके अंदर आपने क्या करना है, जो भी कंप्लेंट्स किसी भी लेवल पर रिसीव हुई हो सारी की सारी कंप्लेंट्स उसके अंदर आएंगी। उसके बाद इन केस अगर आप जो कंप्लेंट्स है नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर रिजोल्व कर देते तो उसको स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड करने की आपको जरूरत नहीं है।
ठीक है, इन केस आपकी जो कंप्लेंट है वो एक महीने के अंदर आप रिड्रेस नहीं करते तो आपको उसकी कॉपी क्या करनी है, बैंकिंग ओम्बड्समैन को देनी है, ताकि जो भी उसको एक्शन सेटिस्फाई लगता है वो अपने बेसिस पे एक्शन ले सके। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, कस्टमर को अवेयर कराना है कि आपके क्या राइट्स हैं, इनकेस आपको या तो आपकी एक ग्रीवेंस रिजोल्व नहीं हुई है या आपको वो ग्रीवेंस पसंद नहीं आई है। उसके लिए जब आप कस्टमर को फाइनल लेटर दोगे, जब आपने अपने बेसिस पे क्या करा, उसकी ग्रीवेंस को रिड्रेस कर दिया, उसको एक फाइनल लेटर दिया, उसके अंदर आपने ये बताना है कि अगर आपको हमारा ग्रीवेंस जो हमारा सोल्यूशन है पसंद नहीं आया तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो। बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास किस तरीके से जाया जाएगा उसकी डिटेल्स भी क्या करोगे आप फाइनल लेटर के अंदर पब्लिश करोगे। उसके साथ साथ बैंक्स की जिम्मेवारी होगी जो भी उनका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म उसको क्या करा जाएगा, वाइडली पब्लिसाइज करा जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज रिगार्डिंग द ग्रीवेंस रिडेंसल मैकेनिज्म। उसके आगे हम कुछ और प्रोविजंस देख रहे हैं, उसमें आता है डिस्प्ले ऑफ नेम्स ऑफ नोडल ऑफिसर। तो ग्रीवेंस रिडेंसल मैकेनिज्म को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए बैंक्स को फर्दर एडवाइस करा गया कि जो भी उनका प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर होगा, जो बैंकिंग एम्बड्समेंट स्कीम के अंदर अपॉइंट करा जाएगा, वो एटलीस्ट सीनियर लेवल का बंदा होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, कंप्लेंट को प्रॉपरली बेसिस पर डील कर सके। ठीक है, यहाँ पे सीनियर लेवल की डेफिनेशन क्या है, ऐसा ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जनरल मैनेजर, मतलब वो एटलीस्ट जनरल मैनेजर होना ही चाहिए तभी आप क्या करोगे उसको प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर अंडर द बैंकिंग एम्बड्समैन स्कीम अपॉइंट करोगे। उसके साथ साथ जो भी हमने बंदे को बैंकिंग एम्बड्समैन स्कीम अपॉइंट करा है, जो भी ऑफिशियल को प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर अपॉइंट करा है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक नेम, कंप्लीट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एटसेट्रा सब कुछ आपने क्या करना है, प्रोमिनेंटली बेसिस पे बैंक के पोर्टल के ऊपर डिस्प्ले करना है। प्रेफरली आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट के पहले ही पेज पे उस चीज को डिस्प्ले करना है ताकि अगर किसी कस्टमर को कंप्लेंट है तो वो डायरेक्टली क्या कर सके, कॉन्टैक्ट कर सके। उसके बाद जो भी ग्रीवेंस रिडेंसल मैकेनिज्म होना चाहिए वो आपका सिंपलर होना चाहिए। सिंपलर इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर वो कॉम्प्लेक्स होगा तो ग्रीवेंस पहुंचेगी ही नहीं। आप ये ना करो कि हमारे पास कंप्लेंट्स कम है, उसके लिए आप क्या करो अपना ग्रीवेंस रिडेंसल मैकेनिज्म ही काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दो। फॉर एग्जांपल इसके लिए हो सकता है सपोज कॉल के ऊपर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो कि अगर किसी पर्सन को कंप्लेंट है तो वो क्या कर सकता है, कॉल के ऊपर हमारे पास कंप्लेंट लॉज कर सकता है। बट जब वो बंदा कॉल करता है उसको 10-15 मिनट तक कॉल पर रहना पड़ता है, उसके बाद उसकी कंप्लेंट रजिस्टर होती है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। वो सिस्टम बहुत सिंपलर होना चाहिए ताकि जो भी कस्टमर है अगर उसको किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है वो उसको इजिली बता पाए और एटलीस्ट कंप्लेंट बताने में उसको कोई दिक्कत ना हो। उसके साथ साथ जो भी आपके ग्रीवेंस रिडेंसल मैकेनिज्म होगा उसको क्या करना है, एडिक्वेटली एंड वाइडली बेसिस पे पब्लिसाइज आपने उस चीज को करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आप आपने अपने प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर अपॉइंट करा है उसकी डिटेल आप क्या कर सकते हो, चीफ जनरल मैनेजर ऑफ द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिव्यू ऑफ ग्रीवेंस रिडेंसल मैकेनिज्म इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इसके अंदर क्या है, जो भी आपके ग्रीवेंस रिडेंसल मैकेनिज्म होगा इन द पब्लिक सेक्टर बैंक उसका रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू बेसिकली उसको टाइम टू टाइम बेसिस पे आपने क्या करना है, चेक करना है ताकि इंश्योर कराया जा सके जो आपकी मशीनरी है वो वर्किंग है एंड वो क्या है, इफेक्टिव है इन अचीविंग इंप्रूवमेंट इन द कस्टमर सर्विसेज इन डिफरेंट एरियाज। बेसिकली जो भी आपके ग्रीवेंस रिडेंसल मैकेनिज्म है वो क्या है, एक्चुअल जो उसका पर्पस है वो पर्पस को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, जो कंप्लेंट्स आएंगी, जो ग्रीवेंसेस आएंगी उसके बेसिस पे ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं जिनके अंदर या तो कंप्लेंट बहुत ज्यादा है या कंप्लेंट्स उनके अंदर बढ़ती जा रही है, ताकि उनको क्या करा जा सके, स्पेशली टैकल करा जा सके। उसके लिए बैंक्स क्या कर सकते हैं, अपनी स्पेशल स्क्वाड्स बना सकते हैं, मतलब स्पेशल एरियाज स्पेशल लोग अपॉइंट कर सकते हैं ताकि क्या करा जा सके, उसमें बेसिकली देखा जा सके कि इस एरिया के अंदर दिक्कत आ क्यों रही है। उसके साथ साथ बैंक ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो भी मैनेजर्स थे या जो भी ऑफिसर्स हैं उस एरिया से रिलेटेड जहां बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स हैं उनको ऐसे एरियाज के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए जहां पब्लिक के साथ इंटरेक्शन बहुत कम हो। ठीक है, उसके बाद लार्ज ब्रांचेस के अंदर अगर कंप्लेंट्स आ रही हैं तो बैंक्स ये कंसीडर कर सकते हैं कि वहां पे स्पेशली पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, लीजन ऑफिसर्स और वगैरह अपॉइंट कर दें ताकि जो कंप्लेंट्स और ग्रीवियंसेज हैं उसको जल्दी से जल्दी हल किया जा सके। उसके साथ साथ बैंक्स क्या कर सकते हैं, जो बैंक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाते हैं टाइम टू टाइम बेसिस पे उसके अंदर आप 1 or 2 सेशन इंक्लूड कर सकते हैं अबाउट द पब्लिक रिलेशंस ताकि कंप्लेंट्स का लेवल है वो कम करा जा सके। उसके बाद सपोज कोई ऐसी कंप्लेंट आती है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जो आपके बैंकिंग प्रेमिसेस है उनके अंदर कंजेशन है, कंजेशन मतलब आपके बैंकिंग प्रेमिसेस के अंदर जगह कम है, तो उसके लिए आपने क्या करने हैं, प्रॉपर एक्शंस लेने हैं। लाइक हो सकता है कि आपके बैंक के अंदर एक्सेसिव फर्नीचर है जिसकी जरूरत नहीं है तो फर्नीचर को रिमूव करा सकते हो एटसेट्रा। बट सपोज अगर आपके बैंकिंग ऑपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, एक्चुअली कंजेशन की प्रॉब्लम है, तो आप लार्जर अकोमोडेशन द सेम लोकेलिटी रीजनेबल रेंट एंड अदर कमर्शियल कंसीडरेशन को भी कंसीडर कर सकते हो कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो हम ये कर सकते हैं कि हम बैंक को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद
बैंक्स को ये कहा गया कि आपने क्या करना है, चीफ कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं। उसके अंदर भी कुछ बैंक को सिलेक्ट करा गया कि कुछ ऐसे बैंक हैं जिनको चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर, जिनको शॉर्ट में CCSO बोलेंगे, वो आपको अपॉइंट करने ही करने हैं। वो अपॉइंट करने क्यों है, ताकि जो आपकी कस्टमर सर्विस है उसकी क्या करी जा सके, क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, एंड जो भी कस्टमर कंप्लेंट्स है उसको टाइमली बेसिस के ऊपर रिजोल्व कराया जा सके। तो वो बैंक कौन से हैं जिनको CCSO अपॉइंट करने हैं, ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक एंड सम प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरन बैंक। बेसिकली जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है सभी को, एंड कुछ प्राइवेट सेक्टर एंड कुछ फॉरन बैंक को क्या करना है, अपना चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर अपॉइंट करने हैं। जो भी ये बैंक सिलेक्ट करे जाएंगे, वो सिलेक्ट करे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसेट साइज, बिजनेस मिक्स एक्सेट्रा, मतलब काफी फैक्टर्स को देख के क्या करा जाएगा, बैंक को सिलेक्ट करा जाएगा। ठीक है, उसके अंदर एक ये कंडीशन है कि जो भी आपका CCSO है वो आपके बैंक के अंदर काम ना करता हो, क्योंकि अगर वो बंदा अगर आपके बैंक का क्या ही होगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, बैंक की तरफ ज्यादा अपना फेवर करेगा इंस्टेड ऑफ द कस्टमर्स। तो वो चीज परमिसेबल नहीं है। तो आपको जो भी अपना चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर अपॉइंट करना है, वो आपको ये इंश्योर कराना है या तो वो बैंक में वर्क ना कर रहा हो एंड ना उसने कभी बैंक के अंदर आपके वर्क करा हो। ठीक है, वो किसी और बैंक में वर्क करता हो सकता है, लाइक HDFC वाला बंदा एक्सिस वाले बैंक को क्या कर सकता है, एक्सिस बैंक वाले बंदे को क्या कर सकता है, CCSO अपॉइंट कर सकता है, बट अपने ही किसी ऑफिसर को CCSO अपॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद द बैंक्स इंटरनल अंबड्समैन विल बी अ फॉर्म अवेलेबल टू बैंक कस्टमर फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल बिफोर दे कैन इवन अप्रोच द बैंकिंग अंबड्समैन। बेसिकली जो भी CCSO होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो बैंक का क्या है, इंटरनल अंबड्समैन है। कि एक होता है एक्सटर्नल अंबड्समैन, जो अंबड्समैन स्कीम के अंदर आप अपॉइंट करते हो, उस तक कंप्लेंट जाने से पहले ही कंप्लेंट किसके पास आ जाती है, चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर के पास, कि वो इंटरनली बेसिस पे उस चीज को क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं। इन केस अगर CCSO अगर फेल हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, जो एक्सटर्नल बैंकिंग अंबड्समैन है उसके पास तो आप जा ही सकते हो अपनी कंप्लेंट्स को लेकर। ठीक है, उसके बाद दिस टॉपिक इज लिटिल इंपॉर्टेंट, नोन एज द इरेनियस डेबिट्स अराइजिंग ऑन फ्रॉडलेंट और अदर ट्रांजेक्शन। इसमें बेसिकली क्या है कि सपोज एक बंदा है वो फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉड उसने कैसे करा, ठीक है, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं हम, लेट इट बी पर्सन ए एंड लेट इट बी पर्सन बी। ठीक है, पर्सन बी है वो क्या कर रहा है, वो फ्रॉड करता है, इस बंद ए को कॉल करता है, ठीक है, एंड इसको बताता है कि आपने क्या करा है, एक गिफ्ट जीता है या आपने कोई टूर जीता है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको क्या देना पड़ेगा, डिपॉजिट देना पड़ेगा। डिपॉजिट में आप सपोज उससे उसको बोल दिया आपको 20 के डिपॉजिट देना पड़ेगा, आपको उसके बदले एक कार मिल जाएगी 20 के, आपकी प्रोसेसिंग फीस एक्सेट्रा। बी ए को फोन करता है तो ए क्या करता है, बी के अकाउंट में डिपॉजिट करा देता है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इरेनियस डिपॉजिट अराइजिंग ड्यू टू द फ्रॉड। उस चीज को कैसे डील करना है उसकी ये गाइडलाइंस है। उसके लिए क्या करना है, बैंक को सबसे पहले जो भी आपके अकाउंट ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग की जो भी गाइडलाइंस है उसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आपने उसको फॉलो करना है ताकि ऐसे फ्रॉड्स को क्या करा जा सके, रोका जा सके। ठीक है, उसके बाद however in view of receipt of continuous complaints of fraud and encashment by the unscrupulous persons opening deposit accounts in the name similar to already established concern resulting in erroneous and unwanted debits of that draws account, bank should remain vigilant to avoid such lapses and issue necessary instruction to the branch or staff. Suppose कोई ऐसा account है जिसके regarding आपको time दोबारा दोबारा क्या आ रही continuous complaints आ रही कि ये बंदा क्या कर रहा है, हमारे साथ fraud कर रहा है, उस case के अंदर आपने क्या करना है, ज्यादा विजिलेंट रहना है एंड उस चीज की क्या करनी है, आपको अपने बैंक स्टाफ को बता देना है कि इस अकाउंट के अंदर क्या है, कंप्लेंट्स आ रही है, तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना है। उसके साथ सपोज एक बंदे के अकाउंट पे नहीं आ रही है बट एक ही नाम के या एक ही एंटिटी के काफी ज्यादा अकाउंट्स आपको मिल रहे हैं जो फ्रॉड्स की, जिनके अगेंस्ट फ्रॉड की कंप्लेंट आ रही है, तो उसके अंदर भी आपने क्या रहना है, विजिलेंट रहना है। ठीक है, इन केस फ्रॉड हुआ, जो भी पर्सन था उसके अकाउंट से पैसा कट गया, उसके अकाउंट से डेबिट हो गया फ्रॉडेंटली और दूसरे बंदे अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो जिस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है वो क्या कर सकता है, कंपनसेशन मांग सकता है। कंपनसेशन मांगने के लिए क्या प्रोविजन है, हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बैंक को किसी भी तरीके की कंपनसेशन तब तक नहीं देनी है जब तक कोई भी डिपार्टमेंटल एक्शन या पुलिस इंटरोगेशन खत्म नहीं हो जाती है। उसके लिए अगर तो जो फ्रॉड है वो बैंक के किसी स्टाफ के द्वारा किया गया है तो बैंक को क्या करना है, उसको अपनी लाइबिलिटी मानना है एंड क्लेम को पे कर देना है। उसके बाद अगर बैंक ही एट फॉल्ट है तो भी बैंक को क्या करना है, कंपनसेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद सपोज ना बैंक की गलती है ना कस्टमर की गलती है बट सिस्टम की गलती है, तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं, बैंक एक लिमिट तक कस्टमर को कंपनसेट कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी रिगार्डिंग द कस्टमर रिलेशन पॉलिसीज। ओके, सो बेसिकली इसके अंदर हमने क्या पढ़ा,
सबसे पहले पॉइंट 17 रिवाइज करते हैं। इसमें क्या था, आपने अपने नोडल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर का नाम क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। उसके लिए जो भी आप अपना नोडल ऑफिसर अपॉइंट करोगे वो एटलीस्ट एक सीनियर लेवल का बंदा होना चाहिए। उसका जो रैंक एटलीस्ट जनरल मैनेजर होना चाहिए। उसके अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करनी है। प्रेफरेबली आप अपने पहले पेज के होम पेज पे वेबसाइट के उस चीज को पब्लिश करोगे। उसके बाद जो भी आपका ग्रीवेंस रिटेंशन मैकेनिज्म होगा उसको आपने सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। एंड जो भी आपका ग्रीवेंस रिटेंशन मैकेनिज्म है उसको आपने एडिक्वेटली एंड वाइडली बेसिस के ऊपर पब्लिसाइज करना है। जो भी आपका नोडल ऑफिसर है, जो भी आपने अपॉइंट करा है, उसके आप डिटेल क्या कर सकते हो, चीफ जनरल मैनेजर ऑफ कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई को पब्लिश को फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद आपने जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जो भी ग्रीवेंस रिटेंशन मैकेनिज्म चल रहा है उसका रिव्यू होगा टाइमली बेसिस पे, ताकि इंश्योर कराया जा सके मशीनरी वर्किंग एंड इफेक्टिव है। एंड ऐसे एरिया जहां पे कंप्लेंट्स या तो ज्यादा आ रही हैं या बढ़ती जा रही हैं, उसके लिए बैंक क्या कर सकते हैं, स्पेशल स्क्वाड्स बना सकते हैं, ताकि उसको पहले ही क्या करा जा सके, कॉम्बैट करा जा सके। उसके साथ बैंक क्या कर सकते हैं, ऐसे एरिया जहां पे ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही है वहां पे जो मैनेजर्स हैं या ऑफिसर्स हैं उनको ऐसे एरियाज के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं जब पब्लिक के साथ कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा कम है। उसके साथ ऐसे लार्ज ब्रांचेस जहां कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा हैं वहां पे क्या कर सकता है, बैंक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स या लीजन ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकता है, ताकि कंप्लेंट्स को एक्सपेडिशियसली बेसिस पे के ऊपर डील करा जा सके। उसके साथ बैंक अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर भी पब्लिक रिलेशंस के सेमिनार्स लगवा सकते हैं। उसके बाद कंटेंशन ऑफ द कंप्लेंट हैज नॉट बीन अ सेपरेट, अ कंप्लीट रिलाई शुड बी गिवन हिम टू द एक्सटेंट ऑफ पॉसिबल। ये पॉइंट पहले रह गया था। इसमें बेसिकली क्या है कि अगर किसी पर्सन ने कंप्लेंट करी बट उसकी कंप्लेंट आपने एक्सेप्ट नहीं करी है, तो उसके तो उसको आपने क्या करना है, प्रॉपर एक रिप्लाई देना है, और रिप्लाई के अंदर आपने रीजन बताना है कि आपकी कंप्लेंट हमने क्यों रिजेक्ट करी है। उसके बाद अगर ऐसी कंप्लेंट आ रही है कि बैंक के अंदर कंजेशन है, तो आपने क्या करना है, पॉसिबल एक्शन जो भी हो सकता है वो आपने लेने हैं। इन केस पॉसिबल एक्शन लेने के बाद भी कंजेशन है, तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज को कंसिडर कर सकते हो कि हम बैंक को क्या करें, किसी और लोकेशन के अंदर मूव करते हैं। उसके लिए उसके साथ साथ बैंक को क्या करना है, अपने चीफ कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है। अपॉइंट किन किन बैंक को करना है, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक और कुछ प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक, जो कि डिसाइड करे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसेट साइज और बिजनेस मिक्स साइज। ओके, उसके बाद जो भी आपका सीसीएस अपॉइंट होगा वो बैंक में वर्क ना करता हो, ठीक है। एंड जो सीसीएस होगा उसको हम बोलेंगे बैंक का क्या है, वो इंटरनल ओवर्समैन है। एंड बैंक का इंटरनल ओवर्समैन के पास सारी कंप्लेंट्स पहले जाएंगी, इनकेस वो रिजोल्व नहीं करता है तो एक्सटर्नल जो बैंकिंग ओवर्समैन होगा उसके पास जो डिटेल्स चली जाएंगी। उसके बाद अगर किसी बंदे के अकाउंट से डेबिट हुआ है एररली बेसिस पे, क्योंकि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो उस केस के अंदर बैंक को क्या करना है, स्पेशल गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स का ध्यान देना है। अगर किसी अकाउंट के रिलेटेड ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही है तो उस चीज के ऊपर आपने क्या करना है, ज्यादा विजिलेंट रहना है, उस चीज को अपने ब्रांचेज और स्टाफ को भी आपने बताना है। उसके केस में अगर बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है तो बैंक से कंपनसेशन मांग सकता है, बट कंपनसेशन आपको तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कोई भी डिपार्टमेंटल एक्शन या पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती है। उसके अंदर अगर जो फ्रॉड है वो बैंक के स्टाफ की गलती की वजह से हुआ है तो बैंक उसको अपनी लायबिलिटी मानेगा और क्लेम को पे करेगा। अगर बैंक की गलती की वजह से हुआ तो बैंक को पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद सपोज अगर ना बैंक की गलती है ना सिस्टम की गलती है, ना बैंक की गलती है ना कस्टमर की गलती है, बट कहीं ना कहीं सिस्टम की गलती है, तो उस केस में बैंक क्या कर सकते हैं, कस्टमर को कंपनसेट कर सकते हैं अप टू अ लिमिट एज पार्ट ऑफ द बोर्ड अप्रूव्ड कस्टमर रिलेशन पॉलिसी। मतलब कस्टमर रिलेशन पॉलिसी जो बनाई जाएगी उसके अंदर जो भी लिमिट डिसाइड करी जाएगी उसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, उनको पे कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है एक अकाउंट नोन एज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर अ सेविंग अकाउंट्स बट नॉट एग्जैक्ट सेविंग अकाउंट्स। उसकी कुछ उसके अंदर क्या है, कुछ कॉमन फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। कॉमन फैसिलिटीज में सबसे पहला क्या है, जो भी आपका बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट होगा सबसे पहले तो उसको नॉर्मल बैंकिंग सर्विस की तरह ही माना जाएगा। इस अकाउंट्स के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नॉर्मली सेविंग अकाउंट्स में होती है। बट अगर आपका जो अकाउंट है वो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, बीएसबीडी अकाउंट है, उसके अंदर आपको किसी भी तरीके की मिनिमम बैलेंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अंदर काफी सर्विसेज और प्रोवाइड करी जा सकती हैं, लाइक डिपॉजिट विड्रॉल, एटीएम से रिसिप्ट और क्रेडिट मनी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एंड अलर्ट एक्सेट्रा, वो सर्विसेज के अंदर प्रोवाइड करी जा सकती हैं। उसके बाद डिपॉजिट्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई जाएगी, बट मैक्सिमम ऑफ 4 विड्रॉल्स इन अ मंथ इंक्लूडिंग एटीएम विड्रॉल्स ही आपको क्या करे जाएंगे, परमिट करे जाएंगे। उसके साथ साथ इसके अंदर आपको एटीएम कार्ड और एटीएम कम डेबिट कार्ड की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी जाएंगी। जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी उनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ इन केस अगर वो पर्सन है वो अकाउंट अपना नॉन ऑपरेटेड रखता है, नॉन एक्टिवेटेड रखता है, तो उस केस के अंदर भी आपने उसे चार्जेस नहीं लेने हैं। नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट के केस में अगर अकाउंट नॉन ऑपरेशन में चला जाता है तो उससे आप चार्जेस कलेक्ट करते हो, बट अगर वो अकाउंट बीएसबीडी अकाउंट है उसके अंदर आपने कोई भी चार्जेस कलेक्ट नहीं करने हैं। उसके अलावा अगर बैंक को कोई और सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जो तो ऊपर हमने सर्विसेज पढ़ी दे आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, इसके अलावा अगर आपने कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए आप जो भी अपनी फीस स्ट्रक्चर है वो क्या कर सकते हो, अपने बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो। बट जो भी आप फीस सर्विसेज डिसाइड
ऐड करोगे वो रीजनेबल और ट्रांसपेरेंट बेसिस पे होनी चाहिए। उसके एंड जब भी अकाउंट खोल रहे हो तो आपने केवाईसी और एएमएल गाइडलाइंस को फॉलो करना है। इन केस अगर आपको कोई अकाउंट खोला गया ऑन द बेसिस ऑफ द सिंप्लीफाइड केवाईसी नॉर्म, तो उस अकाउंट को क्या कहा जाएगा? स्मॉल अकाउंट कहा जाएगा, एंड स्मॉल अकाउंट के ऊपर लगने वाली सारी कंडीशन इस अकाउंट के ऊपर अप्लाई होगी। उसके बाद जो भी बीएसबीडी अकाउंट के होल्डर होंगे वो बैंक के साथ सेविंग जो नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट है वो नहीं खोल पाएंगे। इन केस उस बंदे का ऑलरेडी सेविंग बैंक अकाउंट है एंड उसने बीएसबीडी अकाउंट खुलवा लिया, तो जिस दिन उसका बीएसबीडी अकाउंट खुलेगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको अपना अकाउंट क्लोज करवाना पड़ेगा। ठीक है, जो पहले अकाउंट एग्जिस्ट करते थे जिनको नो फ्रिल्स अकाउंट कहा जाता था उनको अब क्या कर दिया जाएगा, बीएसबीडी अकाउंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो बीएसबीडी अकाउंट बेसिकली क्या, इट शुड बी डेल्ट एज द नॉर्मल सेविंग अकाउंट, नॉर्मल बैंकिंग सर्विस। ठीक है, इसके अंदर कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके अंदर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी लाइक डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, रिसिप्ट एंड मनी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चैनल्स और बाय चेक्स ड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज एंड अदर डिपार्टमेंट्स। इसके अंदर डिपॉजिट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, बट आप एक महीने में 4 ही विड्रॉल्स करा सकते हो, चाहे वो ओवर द काउंटर करो चाहे वो एटीएम से कराओ। उसके इनके साथ साथ आपको एटीएम और एटीएम कम डेबिट कार्ड की सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाएंगी। जो सर्विसेज आपको दी जाएंगी वो आपको फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करी जाएंगी। इन केस आपका अकाउंट नॉन ऑपरेशन नॉन एक्टिवेटेड अकाउंट हो जाता है तो उस केस में भी आपसे कोई चार्जेस कलेक्ट नहीं करे जाएंगे। उसके अलावा अगर बैंक को कोई और अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज देनी है तो उसके रिगार्डिंग जो भी फीस है वो अपने बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं, बट जो फीस है वो रीजनेबल और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ जब भी अकाउंट खोल रहा है आपको केवाईसी और एएमएल गाइडलाइंस को फॉलो करना है। उसके बाद इन एनी केस अगर आपका जो अकाउंट है वो सिंप्लीफाइड केवाईसी नॉर्म्स के बेसिस पे खोला गया तो उस अकाउंट को क्या जाएगा, स्मॉल अकाउंट कहा जाएगा। ठीक है, एंड स्मॉल अकाउंट पे सारी कंडीशन जो लगती है वो इस अकाउंट के ऊपर अप्लाई होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर जो होल्डर्स ऑफ द बीएसबीडी अकाउंट है वो क्या नहीं कर सकते, सेविंग बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते। अगर उनके पास ऑलरेडी कोई सेविंग बैंक अकाउंट है तो जिस दिन उसका बीएसबीडी अकाउंट खुलेगा उसके 30 दिन के अंदर उस अकाउंट को आपने क्या करा देना है, क्लोज करवा देना है। उसके साथ साथ अगर बैंक का कोई नो फ्रिल अकाउंट, बैंक के पास जो नो फ्रिल अकाउंट थे उसको क्या करना है, आपको बीएसबीडी अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करवा देना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा बीएसबीडी अकाउंट खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास गाइडलाइंस आती है दैट आर रिगार्डिंग टू द रिकंसिलिएशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एट एटीएम फेलियर्स टाइम लिमिट। बेसिकली अगर एटीएम फेलियर्स के करके कोई भी ट्रांजैक्शन होती हैं उसमें बेसिकली क्या हुआ, आपने एटीएम के अंदर से बहुत पैसा विड्रॉ करा है, पैसा कट गया लेकिन पैसा बाहर ही नहीं आया, तो उस चीज को जो रिफंड है वो कितनी देर में आपने देना है, उसकी क्या टाइम लिमिट है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइडलाइंस आने की जरूरत क्यों पड़ी, बेसिकली आरबीआई के पास काफी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी कि एटीएम के थ्रू डेबिट्स हो रहे हैं बट पैसा नहीं आ रहा है। काफी रीजन हो सकते हैं, सपोज बीच में लाइट चलेगी, कनेक्शन का एरर आ गया तो पैसा बाहर ही नहीं आया बट उसके अकाउंट से पैसा कट गया। ठीक है, तो वो होना तो क्या चाहिए, अगर पैसा ही नहीं विड्रॉ हुआ तो टाइमली बेसिस पे आप उसको रिफंड कर दो। बट क्या हो रहा था, इसके अंदर काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, काफी केसेस के अंदर तो 50-50 डेज का टाइम लग रहा था, तो जो भी ये डिले है वो ऑब्वियसली जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, तो इससे बेसिकली हो क्या रहा था, कस्टमर के पास फंड्स नहीं बच रहे थे, क्योंकि सपोज एक पर्सन है उसके अकाउंट में सपोज 15,000 रुपए, तो उसने 10,000 का विड्रॉ डाला, 10,000 उसका विड्रॉ आया ही नहीं। ठीक है, बट उसके अकाउंट से पैसे कट गए, उसके अकाउंट में है ही सिर्फ 5,000 बट उसको पैसे चाहिए, तो हुआ क्या, उसके पास छोटे जो फंड्स होगी, तो इससे क्या हुआ, काफी कस्टमर्स क्या करने लग गए, एटीएम्स को यूज करना ही बंद करने लग गए। तो उस चीज को इम्प्रूव कराने के लिए, डेवलप कराने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई ने क्या डिसाइड करा कि जो भी इनकेस आपके पास कंप्लेंट आती है आपको उसको 7 वर्किंग डेज के अंदर रिजोल्व करा देना है। ये टाइम पहले होता था 12 वर्किंग डेज, अब उसको रिड्यूस कर दिया 7 वर्किंग डेज के अंदर। एंड इन केस जो बैंक है वो पैसा 7 वर्किंग डेज के अंदर रिजोल्व नहीं करते, 7 वर्किंग डेज के अंदर रीपे नहीं करते हैं, तो जितना डिले होगा आफ्टर 7 डेज आपको 100 per day क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट पे करेगा वो इशू बैंक पे करेगा, इशू बैंक मतलब जिस बैंक ने एटीएम कार्ड इशू करा है। ठीक है, जो कस्टमर है उसको 100 per day का कंपनसेशन तभी मिलेगा अगर उसने 30 ट्रांजेक्शन के 30 डेज के अंदर अंदर क्या करी हो, कंप्लेंट को लॉज करा हो। ठीक है, उसके साथ साथ जो बैंक एटीएम के साथ फ्री ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों आ जाती है, मतलब चाहे आप पैसा निकलवाओ चाहे अपना बैलेंस वगैरह चेक करो वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर एटीएम कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है उसके अंदर जो भी इनके डिस्प्यूट आते हैं तो वो एटीएम सिस्टम प्रोवाइडर के थ्रू ही आप क्या करोगे, डील करोगे। ठीक है, उसके अंदर जब भी एटीएम होते हैं, एटीएम ट्रांजेक्शन में 2 बैंक होते हैं, एक को हम बोलते हैं इशूइंग बैंक, ठीक है, एक को हम क्या बोलते हैं, इंक्वायरिंग बैंक। इशूइंग बैंक होता है जो बैंक क्या कर रहा है, जो बैंक एटीएम कार्ड को इशू कर रहा है। एक्वायरिंग बैंक वो होता है जिस बैंक का एटीएम है। मोस्टली केसेस में ये दोनों सेम ही होता है, लाइक सपोज एसबीआई ने अगर कार्ड इशू करा तो एसबीआई के एटीएम से पैसा विड्रॉ करा रहे हो, बट जनरली ये जरूरी नहीं होता कि यही हो, क्योंकि मैं एसबीआई का अपना क्रेडिट कार्ड लेके पीएनबी बैंक से भी क्या करा सकता हूं, अपना पैसा निकलवा सकता हूं। तो उस केस में क्या होगा, जो एक्वायरिंग बैंक होगा पंजाब नेशनल बैंक होगा, जो इशूइंग बैंक होगा वो क्या होगा, एसबीआई कार्ड बैंक होगा, एसबीआई बैंक होगा। उस केस में अगर डिस्प्यूट्स आते हैं तो जो भी डिस्प्यूट आए हैं तो इशूइंग बैंक और एक्वायरिंग बैंक में, तो वो एटीएम सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही आपने रिजोल्व कराने हैं, आपस में कोई वो बायलेटरल एग्रीमेंट नहीं करेंगे।
ठीक है। उसके बाद इन केस अगर आपने जो ये चार प्रोविजंस हैं इनको आपने फॉलो नहीं करा तो आप पे क्या माना जाएगा कि आपने क्या करा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की वॉयलेशन करी है एंड उसके रिगार्डिंग आपके ऊपर क्या लगाई जा सकती है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, प्रोमिनेंटली बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश करनी है एट ऑल एटीएम्स। इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, इन्फॉर्मेशन दैट द कंप्लेंट शुड बी लॉज्ड एट द ब्रांचेस वेयर कस्टमर मेंटेन अकाउंट्स टू एटीएम कार्ड इज लिंक्ड, सेकंड टेलीफोन नंबर्स ऑफ हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट पर्सन, थर्ड यूनिफॉर्म टेम्पलेट फॉर लॉजिंग कंप्लेंट्स ऑफ कंप्लेंट्स रिगार्डिंग टू द एटीएम ट्रांजेक्शन। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कि आप ब्रांच के पास कंप्लेंट दे सकते हो, सेकंड आप टेलीफोन पर दे सकते हो किन किन नंबर्स पर आप कंप्लेंट रिजोल्व करा सकते हो, उसके बाद अगर आपने कंप्लेंट लॉज करनी है तो उसका यूनिफॉर्म टैबलेट क्या होने वाला है उसकी आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद ट्रांजेक्शन एंड एटीएम प्रोसीजरल अमेंडमेंट पिन वैलिडेशन फॉर एवरी सक्सेसिव ट्रांजेक्शन, ये आज के टाइम पे हर एटीएम में होती है। पहले क्या होता था, आप इनके ऊपर कोई पिन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट उस चीज को क्या करा गया, अमेंड करा गया। अमेंड क्यों करा गया, सबसे पहले तो क्या है, हर एटीएम के अंदर जो प्रोसेस फ्लो है वो अलग तरीके से डील होता है, मतलब हर एटीएम का अपना अलग मेथड है। रीजन बीइंग हर एटीएम के अंदर क्या लगाए गए हैं, अलग कार्ड रीडर्स लगे हैं, तो उसके करके क्या है, वेरिएशन आती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था, कुछ कार्ड रीडर्स के अंदर कंसर्न्स आ रहे थे क्योंकि उनमें कुछ ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको पिन की जरूरत नहीं थी, उससे क्या हो सकता था, फ्रॉड और मिसयूज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा वो एटीएम में गया, ठीक है, वो एटीएम उसने ट्रांजेक्शन करी बट वो स्लॉट से कार्ड ले जाना भूल गया, एंड सपोज अगर उस बंदे के कार्ड के ऊपर पिन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है एंड उसका कार्ड घूम गया तो वो तो कोई भी यूज कर सकता है। तो उस चीज को रोकने के लिए क्या कहा गया, उस चीज को मिटिगेट करने के लिए कि आपको हर ट्रांजेक्शन के लिए क्या लेनी है, एक पिन लेनी है, विदाउट एंटरिंग द पिन आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए बैंक को क्या कहा गया कि अपने सारे प्रोसेसेस को मॉडिफाई करो ताकि पिन की जो रिक्वायरमेंट है, पिन की वैलिडेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो एवरी ट्रांजेक्शन के लिए क्या करी जा सके, इनेबल करी जा सके। चाहे आपको बैलेंस ही पता करना हो बट उसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, पिन देनी पड़ेगी। इन केस आप इस चीज को अडेयर नहीं करते हो, इस चीज को फॉलो नहीं करते हो, तो आपको यह माना जाएगा कि आपने पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 की क्या करी है, वॉयलेशन करी है। नेक्स्ट प्रोविजन आती है सिक्योरिटी इश्यूज एंड रिस्क मिटिगेशन मेजर्स, ऑनलाइन अलर्ट टू कार्ड होल्डर्स फॉर यूसेज ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। बेसिकली सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे थे रिलेटेड टू द ऑनलाइन यूजेज ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, उसको रिस्क मिटिगेट करने के लिए हमने बैंक्स को ये एडवाइस करा आरबीआई ने कि आपको क्या करना है, ऑनलाइन अलर्ट्स देने हैं। उसमें बेसिकली क्या है, बैंक्स को ये कहा गया ऐसी ट्रांजेक्शन जो सीएनपी ट्रांजेक्शन है, मतलब कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन, मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन जहां कार्ड का होना जरूरत नहीं है, अगर उनकी ट्रांजेक्शन की अमाउंट 5000 से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, उनके ऑनलाइन अलर्ट्स भेजने हैं कि आपके अकाउंट पे इतनी ट्रांजेक्शन करी गई है। आज के टाइम पे क्या है कि आप चाहे एक रुपए की भी ट्रांजेक्शन करो उसका भी आपको क्या आता है, ऑनलाइन अलर्ट आता है। ठीक है, सिमिलरली ये कहा गया कि अगर एटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन होती है उसकी भी आपने क्या करनी है, अलर्ट प्रोवाइड करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। इससे बेसिकली हुआ क्या, आपको ये पता लग जाएगा कि अच्छा मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन इतनी हुई है, इनकेस तो वो ट्रांजेक्शन आपने करी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर वो किसी और बंदे ने करी है तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिपोर्ट करवा के टाइमली बेसिस पे उस पेमेंट को रुकवा सकते हो। ठीक है, इससे बेसिकली एट द एंड होगा क्या, जो भी आपके कार्ड की यूसेज है वो बढ़ेगी क्योंकि लोगों का क्या बढ़ेगा, उस कार्ड के ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दीज वर द रिगार्डिंग द रिकंसिलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एट एटीएम फेलियर्स। ठीक है, उसके अंदर हमने बेसिकली टाइम लिमिट देखी, टाइम लिमिट क्या है, 7 वर्किंग डेज। 7 वर्किंग डेज के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते टू द कस्टमर तो आपको क्या करनी है, 100 पर डे की क्या करनी है, कंपनसेशन प्रोवाइड करनी है, बट कंपनसेशन तब भी प्रोवाइड करी जाएगी अगर कस्टमर ने ट्रांजेक्शन के 30 डेज के अंदर क्या कर दी, रिपोर्टिंग कर दी। ठीक है, जो फ्री ट्रांजेक्शन दी जाएंगी उसके अंदर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों आएंगी। इन केस कोई डिस्प्यूट होता है वो डिस्प्यूट सिर्फ एटीएम सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही डील किया जाएगा, इशूइंग बैंक और एक्वायरिंग बैंक आपस के अंदर कोई भी बायलेटरल एग्रीमेंट नहीं करेंगे। इन केस आप ए टू डी प्रोविजन का कंप्लाई नहीं करते तो आपको ये माना जाएगा कि आपने पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ 2007 की वॉयलेशन करी है एंड आपके ऊपर उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी लगाई जा सकती है। उसके साथ साथ जहां पे आपने एटीएम इंस्टॉल करे हैं आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, वहां पे इन्फॉर्मेशन क्या देनी है कि कौन से ब्रांच के पास आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट दे सकते हो, कौन से टेलीफोन नंबर पे आप कंप्लेंट दे सकते हो, एंड अगर आपको कंप्लेंट लॉज करनी है उसके लिए टेम्पलेट क्या होगा उसकी आपको डिटेल बतानी है। उसके बाद आपने जो भी ट्रांजेक्शन होंगे बैंक को यह कहा गया कि हर ट्रांजेक्शन के लिए क्या होनी चाहिए, पिन वैलिडेशन की जरूरत होनी चाहिए, तो उसके लिए आप बैंक को क्या कहा गया कि आप अपने क्या करो, प्रोसीजर को मॉडिफाई करो ताकि हर ट्रांजेक्शन के लिए क्या कहा जाए, पिन की डिमांड करी जाए। इन केस इसकी आप इन चीजों को आप फॉलो नहीं करते तो आपको क्या कहा जाएगा कि आपने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की क्या करिए, वॉयलेशन करिए, एंड रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली आपके ऊपर क्या लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी इश्यूज एंड रिस्क मिटिगेशन मेजर्स रिगार्डिंग द ऑनलाइन अलर्ट्स, की ऑनलाइन अलर्ट्स आपको भेजने विद रिगार्ड टू द ट्रांजेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोविजंस आती हैं दैट आर द कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स। इसमें बेसिकली क्या है, काफी ज्यादा कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए गए रिगार्डिंग द बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स,
एंड जिनकी इंप्लीमेंटेशन है उसको कौन मीटर करेगा, बैंकिंग गोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे बीएसबीआई। बीएसबीआई ने क्या बेसिकली करा है, बैंकिंग गोड्स बनाए हैं जिसको क्या करना है बैंक्स को फॉलो करना है। अब वो इंप्लीमेंट हुए हैं नहीं है उसकी मॉनिटरिंग भी कौन ही कर रहा है, बीएसबीआई ही कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज हुआ जो ये कोड्स है वो बेसिकली डेवलप करे ही क्यों है। सो द कोड्स हैव बीन डेवलप्ड टू प्रमोट गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस बाय सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड इन द बैंक्स डीलिंग विद द कस्टमर। सेकंड, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी सो द कस्टमर कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ही शी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम बैंक। एनकरेज मार्केट फोर्सेस थ्रू कॉम्पिटिशन टू अचीव हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स। प्रमोट अ फेयर कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंक। फोस्टर कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम। बेसिकली पांच कारणों के करके हमने जो ये स्टैंडर्ड्स है वो बनाए हैं। स्टैंडर्ड बेसिकली पांच कुछ चीजें कौन कौन सी हैं, ठीक है, उसमें पहला तो क्या है, गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस को दिखाया बनाया जा सके। उसके लिए क्या करा हमने, एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आपको एटलीस्ट इतनी इतने स्टैंडर्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करनी ही करनी है। उसके बाद इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। उसके बाद कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन कैसे बढ़ा कि बैंक्स क्या करेंगे, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने जो ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स उसको और अच्छा करेंगे, तो जितना अच्छा करेंगे उतना कंपटीशन बढ़ेगा, हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा। इससे बेसिकली होगा क्या, बैंक्स और कस्टमर के बीच में एक जो रिलेशनशिप है वो फेयर एंड कॉर्डियल हो जाएगा। एंड अल्टीमेट क्या होगा, जो भी कस्टमर है उसका बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, स्टैंडर्ड बनाए जिसकी इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग कौन मॉनिटर कर रहा है, बीएसबीआई मॉनिटर कर रहा है। इसके ऊपर आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ जो ये कोड्स बनाए जाएंगे, कोड्स के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन कवर की जाएगी, कोड्स जो होंगे उसके अंदर आपके जो भी जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, इन प्रोडक्ट्स को फैसिलिटेट कैसे करना है उस चीज की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद बैंक्स की कमिटमेंट क्या है टुवर्ड्स मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ कस्टमर डाटा, उस चीज की इन्फॉर्मेशन, एंड अबाउट द इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से इन केस अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो कैसे हम कस्टमर को क्या करने वाले हैं उन चेंजेस के बारे में बताने वाले हैं। उसके अलावा इट विल ऑल्सो कवर द इन्फॉर्मेशन ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर टुवर्ड्स मेंटेनिंग सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर डाटा एंड फ्रॉड्स। बेसिकली सबसे पहले हमने क्या देखा, कोड्स बनाने हैं, कोड्स बनाएगा कौन, बीसीएसबीआई। बैंक्स को उस चीज को इंप्लीमेंट करना है, वो इंप्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ उस चीज को भी कौन ही मॉनिटर करेगा, बीसीएसबीआई। ठीक है, उसके बाद जो भी ये कोड्स बनाए जाएंगे, ठीक है, वो क्या क्या इंफॉर्मेशन को कवर करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन कौन कौन सी कवर होगी, ठीक है, कोड्स बाय द बीसीएसबीआई इंफॉर्मेशन कवर्ड, सबसे पहले तो आपके क्या हैं, प्रोडक्ट्स, हाउ टू अवेल, मतलब बेसिकली आपकी जो फैसिलिटीज क्या है उसको आपने अवेल कैसे करना है। उसके बाद, ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड चाहे तो इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो आप, कस्टमर्स डाटा बैंक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, चेंजेस। तो आप क्या कर सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन को इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हो, चार्ट क्या क्या कवर, इन्फॉर्मेशन क्या क्या कवर करनी है आपने, आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनको अवेल कैसे करना है, एंड जो भी कस्टमर डाटा है उसको सिक्योर करने के लिए बैंक्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड कस्टमर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ साथ इनकेस कोई चेंजेस आते हैं वो चेंजेस किस तरीके से क्या करे जाएंगे, कस्टमर को बताए जाएंगे, वो चीजें आप क्या कर सकते हो इसके थ्रू देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर जो ये आपने इन्फॉर्मेशन दी है, जो आप ये कोड्स बनाओगे, ये बनाए क्यों गए हैं, ताकि क्या करा जा सके, सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या करा जा सके, कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सके, रिलेशनशिप है जो वो क्या हो, फेयर हो एंड कॉर्डियल हो, ठीक है। उसके बाद दो पॉइंट्स आपके पास हो रहे हैं, एक तो कंपटीशन हो एंड क्या हो, मिनिमम स्टैंडर्ड्स आप बनाओगे एंड मिनिमम स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे बैंक्स आपस के अंदर, हेल्दी कंपटीशन करेंगे, ठीक है। तो पूरे के पूरे 21 जो पार्ट था कोर्ट्स वाला, उसको इस तरीके से आप समराइज कर सकते हो। कोर्ट्स कौन बनाएगा, बीएससीबीआई। उसके लिए आपको उनको क्या करेंगे, जो कोर्ट्स होंगे उनके अंदर इन्फॉर्मेशन कवर होगी रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स, उनको अवेल कैसे करना, जो कस्टमर डाटा होगा उसके रिगार्डिंग बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इनकेस कुछ चेंजेस होंगे तो चेंजेस किस तरीके से कम्युनिकेट करे जाएंगे।
ये हमने कोड्स बनाए क्यों हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, बैंकिंग सिस्टम के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी को बढ़ाया जा सके, कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सके, जो बैंक्स और कस्टमर के रिलेशन है वो आपस में फेयर एंड कोडियल हो सके, मिनिमम स्टैंडर्ड आप सेट करोगे एंड जिससे क्या होगा, हेल्दी कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा। उसके बाद हम अगले पार्ट में मूव करते हैं, दैट इज नोन एज द गवर्नमेंट बिजनेस, की जो गवर्नमेंट बिजनेस होंगे वो किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम के थ्रू क्या करे जाएंगे, ऑपरेट करे जाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक, जब हम आरबीआई के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जब हमने रेगुलेशन रेगुलेटर वाला चैप्टर डिस्कस करा, तो हमने आरबीआई के लिए एक पॉइंट बोला था कि आरबीआई इज नोन एज द गवर्नमेंट्स बैंक, कि आरबीआई गवर्नमेंट के लिए एक बैंक की तरह यूज करता है। तो आरबीआई क्या कर रहा है, बेसिकली बैंक्स गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को थ्रू इट्स ओन ऑफिस और थ्रू एजेंसीज ऑफिस क्या करता है, जनरल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जनरल बैंकिंग सर्विसेज में क्या आ जाता है, लाइक एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट एटसेट्रा, वो चीजें आ जाती हैं। तो उसके लिए आरबीआई क्या करता है, कुछ तो अपनी ब्रांचेस के थ्रू प्रोवाइड करता है एंड कुछ अपनी एजेंसी बैंक ताकि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सके। बट जो ये वाला बिजनेस है, इसके थ्रू क्या होता है, उन्हें कमीशन मिलता है, क्योंकि एजेंसी कमीशन आरबीआई क्या करता है, उन्हें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट्स की बात करेंगे हम ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, पेंशन पेमेंट आ सकती है, स्पेशल डिपॉजिट स्कीम के अंदर जो पेमेंट दी गई है वो आ सकती है, पीपीएफ का पैसा आ सकता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का पैसा आ सकता है, ये सारी चीजें क्या आ सकती है, एजेंसी कमीशन के अंदर भी इंक्लूड करी जाती है। उसके अंदर हम जो अपना फर्स्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में बेसिकली क्या है, कस्टमर्स जो भी हमारे टैक्स पेयर्स हैं वो डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट इजीली कर पाए, उसके लिए क्या कहा गया, अकाउंटिंग सिस्टम फॉर डायरेक्ट टैक्सेस की प्रोविजंस लाई गई। उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस हमें दी गई जो बैंक्स को क्या करनी है, इंप्लीमेंट करनी है ऑन मैंडेटरी बेसिस। उसमें बेसिकली क्या है, सबसे पहले उन्हें क्या करना है, इशू ऑफ टोकन करने हैं। इशू ऑफ टोकन में बेसिकली क्या है, सपोज अगर एक बंदा है वो चेक टैक्स डिपॉजिट कराने आया है थ्रू द चेक और ड्राफ्ट, तो वो आपको चेक देगा, ड्राफ्ट देगा, बट जो चेक्स और ड्राफ्ट वो इमीडिएटली बेसिस पे कलेक्ट नहीं होते हैं, वो उनको टाइम लगता है। तो आप क्या करोगे, उनसे चेक लोगे और उनको एक टोकन इशू कर दोगे कि आपको मैं टोकन दे रहा हूं, आप ये टोकन जब मुझे दोगे तो मैं आपको रिसीटेड कॉपी दे दूंगा, जिससे ये पता लगेगा कि आपने एक्चुअली चालान डिपॉजिट करा दिया। तो आप क्या कर दोगे, बंदे को टोकन इशू कर दोगे, जब आपके पास रिसिप्ट आ जाएंगी तब आप क्या करोगे उसको, मतलब जब आपने रियलाइजेशन कर ली तो आप उसको क्या करोगे, रिसीटेड कॉपीज के अंदर कन्वर्ट कर दोगे एंड जिस दिन वो बंदा टोकन लेने आएगा आप उसको रिसीटेड कॉपीज दे दोगे। ठीक है, जो भी आपने रिसीटेड चालान बनाए हैं वो आपको क्या करने हैं, 4 to 5 days के अंदर आपने बना देने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका रिसीटेड चालान होगा उसके अंदर 2 dates की स्टैंप लगानी है, एक तो पहली डेट कि किस दिन वो चालान आपको देके गया था, सेकंड वो किस दिन आपने क्या करा है, रिलाइज करा है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स ने क्या करना है, दूसरे बैंक्स के भी क्या करने हैं, चेक्स एक्सेप्ट करने हैं, ये नहीं कि सिर्फ अपने बैंक से ही चेक एक्सेप्ट कर रहे हो फॉर द पेमेंट फॉर द डिपॉजिट ऑफ द टैक्सेस। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या करना है, सिस्टम बनाना है जिससे के थ्रू टैक्स पेयर क्या आ सके, पैसे को पे कर सके। उसके लिए आपने क्या करना है, अगर चेक के ड्राफ्ट के थ्रू पैसा आ रहा है तो जब तक रियलाइजेशन नहीं हुई है तो उसके लिए आपको क्या करोगे, उसको टोकन इशू करोगे। जब आपको रियलाइजेशन होगी तो आप क्या करोगे, रिसीटेड कॉपीज ऑफ द चालान बना दोगे एंड टोकन को वापस लेके वो उसको कस्टमर को फॉरवर्ड कर दोगे। जो भी आप रिसीटेड चालान बनाओगे आपको 4 to 5 days के अंदर बना देना है एंड उसके ऊपर आपने क्या करना है, डबल स्टैंप लगानी है। डबल डेट स्टैंप में एक डेट आपने उस दिन की लगानी है जिस दिन आपको चालान रिसीव हुआ था, सेकंड डेट आपको उस दिन की लगानी है जिस दिन आपको चालान के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हुई है। उसके बाद बैंक को क्या करना है, अदर बैंक के चेक्स को भी एक्सेप्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका टैक्स डिपॉजिट का सिस्टम था जिसको हमने अकाउंटिंग सिस्टम और डायरेक्ट टैक्सेस कहा था, आज के टाइम पे वो ऑनलाइन हो चुका है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओल्टास। ओल्टास इसकी फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या है, इसके अंदर एक चालान की एक सिंगल कॉपी दी जाती है जिसके अंदर एक टीयर ऑफ होता है, मतलब बेसिकली ये सपोज चालान है उसके अंदर एक टीयर ऑफ का कॉलम होता है कि एक इन्फॉर्मेशन आपके पास रहती है, एक आप उसको फाड़ के क्या देते हो, कस्टमर को दे देते हो। ठीक है, उसके अंदर आप क्या करते हो, कस्टमर को एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्रोवाइड करते हो। जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है उसके ऊपर एक CIN मेंशन होता है जिसको बोलते हैं चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू क्या करते हो, आप ऑनलाइन बेसिस के ऊपर चेक कर सकते हो कि मैंने ये चालान जमा करवाया था। ठीक है, और उस चालान का ये CIN नंबर है, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसकी पूरी डिटेल निकाल सकते हो। ठीक है, उसके लिए The new file structure required by Income Tax Department was also forwarded to Agency Bank for developing suitable format for the OLTAS. कि जब OLTAS implement हो रहा था उसके regarding Income Tax को जो जो requirements थी उन्होंने क्या करा था, Agency Bank को forward कर दी थी। ठीक है, जो अब जो new procedure था उसके अंदर basically क्या है,
जो भी चलान है वो तभी इशू करे जाएंगे जब आपके पास चेक या ड्राफ्ट के थ्रू पैसा आ जाएगा। अगर तो कैश के थ्रू पैसा आ रहा है तो आप इंस्टेंटली चलान दे दोगे, बट अगर चेक या ड्राफ्ट के थ्रू पैसा आ रहा है तो जिस दिन आपको रियलाइजेशन हुई है उसके बाद ही आप क्या करोगे, चलान इशू करोगे। बट तब तक आप क्या कर सकते हो, पेपर टोकन इशू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रिसीविंग बैंक होगा वो क्या करेगा, टीयर ऑफ पोर्शन होगा जो भी उस चलान का, वो क्या करेगा कस्टमर को दे देगा एंड उसके ऊपर स्टैंप लगाएगा। स्टैंप के ऊपर क्या होगा, CIA नंबर आपने मेंशन करना है। CIA नंबर के साथ साथ आपको कुछ और डिटेल्स भी देनी है। डिटेल्स क्या क्या होंगी, आपको उसके ऊपर BSR कोड देना है, आपको उसके ऊपर डेट बतानी है कि किस दिन चलान है वो आपके पास प्रेजेंट करा गया था। उसके बाद जो भी टीयर ऑफ पोर्शन ऑफ चलान होगा वो क्या करना है, आपको कस्टमर को रिटर्न करना है ऑन द सेम डे विद नेसेसरी एक्नॉलेजमेंट बट अ ब्रांडिंग द रबर स्टैंप प्रिस्क्राइब्ड अबव। कि बेसिकली जिस दिन चलान आपके पास आ गया सेम डे आपको क्या करना है, आपको उसको कस्टमर को प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसी कोई ब्रांचेज है जो नॉन कंप्यूटराइज है, नॉन नेटवर्क ब्रांचेज है, मतलब ऐसे ब्रांचेज जहाँ इंटरनेट का वर्किंग नहीं हो रही है, जब उन्हें ऐसा पैसा आता है तो उन्हें क्या करना है, जो भी उनकी कंप्यूटराइज नेटवर्क ब्रांच है उसको अपने टाइमली बेसिस पे फॉरवर्ड कर देना है ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाए। एंड जो भी हमारा TIN है, TIN होता है टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, जो NSDL होस्ट करता है उसके ऊपर वो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाए कि ये बंदा था, इसका ये पैन नंबर था, इस बंदे ने क्या करा है, इतना टैक्स हमारे पास डिपोजिट करवाया है, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर एडवाइस करा गया कि जो ओल्टास है वो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। एग्जिस्टिंग प्रोसीजर में बेसिकली क्या था, जो आपके पास चलान जो रिसीव होते थे, जो आपके पास टैक्स रिसीव होते थे, आप क्या करते थे उसके स्क्रोल्स एंड चलान्स बनाते थे एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते थे। तो ओल्टास जो सिस्टम है वो क्या करेगा, इस चीज को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि सारी की सारी चीजें क्या है, ऑनलाइन बेसिस पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो ही रही है। उसके साथ हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी गई थी अंडर द पिंक बुकलेट फॉर द अकाउंटिंग सिस्टम फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सेम की सेम क्या करेंगे, ओल्टास के ऊपर भी अप्लाई होंगी। उसके बाद ट्रांसमिटिंग डाटा ऑनलाइन टू टिन इन एडिशन टू द नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग पेपर्स स्क्रोल एंड चलान्स एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाज आल्सो एम्फसाइज्ड। बेसिकली हमने अब तो इसको रिप्लेस कर दिया है, बट जब तक रिप्लेस नहीं करा था तब हम क्या कर रहे थे, सेम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे थे कि पेपर स्क्रोल एंड चलान्स टू द ZAOB भेज रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम ये सजेस्ट करा गया बैंक को कि जो भी उनके लिंक सेल्स है नागपुर के अंदर, आप उसको क्या करो, जो भी TIN एट मुंबई उसको आपस में लिंक करा दो। लिंक कराने से बेसिकली क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोविजन आती है, दैट इज रिगार्डिंग टू द वेरिफिकेशन ऑफ पैन एंड टैन। इसमें बेसिकली क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, बैंक को एक CD प्रोवाइड करेगा, CD के अंदर पैन और टैन की डिटेल्स होंगी, किस बंदे का क्या पैन है और किस बंदे का क्या टैन है, ठीक है। ये जो CDs आपको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर दी जाएंगी अपडेटेड, ताकि आप क्या कर सको, अपडेट कर सको। आज के टाइम पे सारा सिस्टम क्या है, ऑनलाइन ही चलता है, CDs प्रोवाइड नहीं करी जाती है, बट ये पहले की जो प्रोविजन है जो मास्टर सर्कुलर में लिखी हुई है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर आपको क्या कहा गया कि जो आपको CDs प्रोवाइड करी जाएंगी उसको आपने क्या करना है, रेप्लीकेट करना है एंड इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बैंक ब्रांचेस को इंटरनली आपने क्या कर देना है, इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एंड सपोज अगर कोई बंदा आता है उसका जो पैन और टैन है वो CD के अंदर अवेलेबल नहीं है, ऐसी कंडीशन कब हो सकती है, सपोज हमने क्या कहा जो आप CDs हैं वो क्या कर रहे हो, क्वार्टरली बेसिस पे अपडेट कर लो, बट सपोज इन बिटवीन क्वार्टर किसी बंदे का पैन इशू है तो उसकी डिटेल तो उस CD के अंदर है ही नहीं, तो उस केस में अगर वो बंदा आपके पास आता है एंड वो चलान डिपोजिट करवाना चाहता है, टैक्स डिपोजिट करवाना चाहता है, तो आप क्या करोगे, उसको बोलोगे भाई अपना पैन लेके आओ, तो आप उससे पैन लोगे एंड ये इंश्योर कराओगे कि हाँ यही इस बंदे का पैन है एंड उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उसके चलान को डिपोजिट करवा सकते हो। उसके बाद बैंक्स को ऐसे चलान एक्सेप्ट ही नहीं करने हैं जिनके ऊपर जो पैन एंड टैन है वो वैलिड ना हो, ठीक है। जो पैन दिए जाएंगे चलान जो भी, बेसिकली जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हो, इनकम टैक्स डिपॉजिट कराते हो, उसके लिए दो चलान यूज होते हैं, 280 एंड 282। वन चलान इज फॉर कॉर्पोरेट टैक्स, वन इज फॉर नॉन कॉर्पोरेट टैक्स। जब आप डिपॉजिट करा रहे हो तो उसके ऊपर क्या करते हो, पैन मेंशन करते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर पैन मेंशन होना चाहिए। एंड जब आप टैन डिपॉजिट कर रहे हो तो उस टाइम चलान जो यूज होता है दैट इज नोन एज चलान नंबर 281, तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, टैन मेंशन होना चाहिए। तो बेसिकली जब आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करा रहे हो, सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स, ठीक है, उसके लिए आपके पास दो कोड्स हैं, फर्स्ट इज 280 एंड 282। वन इज फॉर कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब कंपनीज के टैक्स के लिए, वन इज फॉर इंडिविजुअल्स अदर देन द कंपनीज के लिए। जब आप टैन डिपॉजिट कराते हो, मतलब जब आप TDS या TCS डिपॉजिट कराते हो, ठीक है, उसके लिए क्या यूज होता है, चलान नंबर 281 एंड ये किसके थ्रू जमा होता है, टैन के थ्रू जमा होता है। तो जो भी चलान होगा अगर इनके ऊपर टैन या पैन प्रॉपरली मेंशन होगा तभी आपने क्या करना है, उस चलान को एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज वो चलान क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन आता है दैट इज द पेमेंट ऑफ पेंशन। पेमेंट ऑफ पेंशन में बेसिकली क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जो उनके एम्प्लॉइज है उनको क्या करती है, पेमेंट देती है।
पेंशन देती है, तो पेंशन को डिस्पर्स करने के लिए जो फैसिलिटीज है वो बैंक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो जो ये पेंशन का पेमेंट है वो जो पर्सन है, जो पेंशनर है, उसके अकाउंट में अकेले, जो अगर उसका अकेले का अकाउंट है उसके अकेले अकाउंट में डाली जा सकती है। अगर उसका अपनी स्पाउस के साथ जॉइंटली अकाउंट है, जॉइंटली अकाउंट में डाली जा सकती है। अगर उसने कहा है कि किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर करो, तो उसके अकाउंट, उसके लिए आपने क्या लेना है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर लेना है, उस पर्सन के अकाउंट में भी क्या करी जा सकती है, पेमेंट डाली जा सकती है। ठीक है, उसके बाद द जॉइंट अकाउंट ऑफ द पेंशनर विद द स्पाउस कुड बी ऑपरेटेड इधर बाय द फॉर्मर और सर्वाइवर और इधर उधर सर्वाइवर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स। आप जॉइंटली अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, उसके अंदर जो क्लोज है वो फॉर्मर और सर्वाइवर क्लोज भी हो सकता है, इधर और सर्वाइवर क्लोज भी हो सकता है, बट उसके अंदर और कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या क्या है कि जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है वो तब तक है जब तक उसके अकाउंट के अंदर पैसा डाल दिया। जिस दिन आपने उसके अंदर अकाउंट के अंदर पैसा डाल दिया, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। इनकेस अगर आपका स्पाउस है वो रॉन्गली विड्रॉ कराता है, उसके अंदर गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद पेंशन तभी तक आपने पे करनी होती है जब तक पेंशनर है वो जिंदा है। जब पेंशनर की डेथ हो जाएगी तो जो भी बंदा, जो पेंशनर की फैमिली है, उनकी जिम्मेवारी है क्या करे कि वो बैंक के पास जाके बता दे कि इस पर्सन की डेथ हो चुकी है। आपने बताना कब तक है, एक महीने के अंदर अंदर आपने क्या कर देना है, उस चीज को बता देना है कि बंदा डेथ हो चुकी, इस बंदे की डेथ हो चुकी है, ताकि बैंक क्या कर सके, पेंशन डिपोजिट करवाना रोक सके। ठीक है, उसके बाद अगर सपोज कोई अमाउंट है वो रॉन्गली क्रेडिट हो जाती है, कि सपोज लोगों ने आपको बताया ही नहीं, फैमिली ने आपको बताया नहीं, एंड वो पेमेंट आई जा रही है, पेंशन आई जा रही है, तो पेमेंट पेंशन क्या है वो रॉन्गली क्रेडिट हुई है, तो उस केस के अंदर बैंक्स क्या कर सकते हैं, ऐसी पेंशन को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो ज्वाइंट अकाउंट हो, सिंगल अकाउंट हो, जो भी अकाउंट हो, क्या करा जा सकता है, रिकवर करा जा सकता है। उसके बाद जो भी उनके लीगल हायर्स होंगे, सक्सेसर्स होंगे, एग्जीक्यूटर्स होंगे, उनसे ये पैसा रिफंड लिया जा सकता है। वो ये नहीं कह सकते कि पर्सन की तो डेथ हो चुकी है, बट यू आर द लीगल हायर्स, यू आर द सक्सेसर्स, आपको वो पैसा पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद सपोज कोई भी अरियर्स ऑफ पेंशंस हैं, तो अरियर्स ऑफ पेंशंस, ठीक है, अरियर्स ऑफ पेंशन किस केस में हो सकते हैं, सपोज कि गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली बिहाफ पे क्या करती है, पेंशन को इंक्रीज करते हैं, उस केस में कुछ अरियर्स ऑफ पेंशन होते हैं। ठीक है, वो दिए किसके जाते हैं, दिए किस रूल्स के अंदर जाते हैं, पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ पेंशन नॉमिनेशन रूल्स 1983 के अंदर दिए जाते हैं, तो वो कंटिन्यू होंगे, वो एप्लीकेबल होते रहेंगे टू द ज्वाइंट अकाउंट विद द पेंशनर स्पाउस। बेसिकली इसकी प्रोविजन क्या है, सपोज एक पर्सन था, पर्सन नंबर ए, उसकी वाइफ थी पर्सन बी, ठीक है, दोनों का क्या था, ज्वाइंट अकाउंट था। ठीक है, ए की क्या आ रही थी, पेंशन आ रही थी। ठीक है, ए की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जॉइंट अकाउंट अब क्या है, बी के नाम पे कन्वर्ट हो जाता है। तो इन केस अरियर ऑफ पेंशन अगर पे किए जाएंगे तो क्या कर जाएगा, बी के अकाउंट के अंदर वो चीज क्रेडिट कर दी जाएगी, या जो भी उनका नॉमिनी होगा उसको वो पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जिस्टिंग पेंशनर डिजायरिंग टू गेट देयर पेंशन क्रेडिट टू अ जॉइंट अकाउंट एज इंडिकेटेड अबव आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द बैंक ब्रांच। बेसिकली अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो मेरी पेंशन है वो मेरे जॉइंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दी जाए, तो आपको क्या करना है, उसके लिए बैंक को एप्लीकेशन देनी है। ठीक है, जो एप्लीकेशन दोगे उसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसके अंदर जो भी जॉइंट अकाउंट होल्डर होगा आपका, मतलब जो भी आपकी स्पाउस है सपोज, तो वो क्या करेगी, उसके ऊपर साइन करेगी। ठीक है, एंड सपोज कोई ऐसे लोग हैं जो एग्जिस्टिंग पेंशनर नहीं है बट आप पेंशनर बनेंगे, उनके नए पेंशन अकाउंट खोले जाएंगे, सेम इंस्ट्रक्शंस उनके ऊपर भी लागू होने वाली है। ठीक है, उसके बाद कुछ स्टेट्स और कुछ मिनिस्ट्रीज क्या है, जॉइंट अकाउंट्स किसी और पर्सन के साथ अलाउ नहीं करती है। बेसिकली वो क्या कहती है, अगर आपको जॉइंट अकाउंट खुलाना है फॉर पेंशन, तो आप अपनी सिर्फ फैमिली के साथ ही, अपनी सिर्फ स्पाउस के साथ ही खुलवा सकते हो। अगर ऐसी कोई प्रोविजन है तो उस प्रोविजन के अंदर रहते ही, उस स्कीम की प्रोविजन के अंदर रहते ही क्या करे जाएंगे, आपके पेंशन अकाउंट से खोले जाएंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी गवर्नमेंट या जो भी रिगार्डिंग स्पेसिफिक कंसर्न मिनिस्ट्री या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, आप उसको रेफर कर सकते हो। उसके बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया कि आपने क्या लेना है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लेने हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट में बेसिकली क्या है, अंडर द करंट स्कीम पेंशनर्स को क्या करना होता है, हर साल नवंबर के अंदर अपना एक लाइफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है कि हाँ हम जिंदा है, हमारी डेथ नहीं हुई है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एक जीवन प्रमाण एक साइट लॉन्च करी है, jeevanpraman.gov.in। उसके अंदर क्या है, आप आधार बेस्ड क्या कर सकते हो, लाइफ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर बैंक्स को क्या कहा गया कि आपने प्रॉपरली स्टेप्स लेने हैं ताकि स्कीम को क्या करा जा सके, इंप्लीमेंट करा जा सके। ये स्कीम लाई क्यों गई, बेसिकली क्या हो रहा था, जब डेथ सर्टिफिकेट सॉरी लाइफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे जाते थे ओवर द काउंटर टू द स्टाफ, तो उस केस में क्या हो रहा था, कुछ केसेस में जो सर्टिफिकेट है वो क्या हो जा रहे थे, मिसप्लेस हो जा रहे थे। ठीक है, तो उस केस में बैंक्स को क्या कहा गया कि आपने क्या करना है, ड्यूली साइंड एक्नोलेजमेंट्स आपने इशू करनी है कि हाँ आपने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, ताकि आप क्या करो, उसको घुमाओ ना। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आप ये भी कर सकते हो, जो डेथ सर्टिफिकेट, जो भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट है उसको सीबीएस के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ताकि एक तो सिस्टम जनरेटेड एक्नोलेजमेंट निकल जाए, एंड क्या हो जाए, उसकी अपडेशन हो जाए टाइमली बेसिस के ऊपर, रियल टाइम के बेसिस के ऊपर अपडेशन उसकी हो जाए। तो ये प्रोसीजर आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो विद रिगार्डिंग द पेंशन ऑफ द अकाउंट्स, रिगार्डिंग द पेंशनर्स अकाउंट। ठीक है,
सो यहाँ पे जो हमारी प्रोविजन है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट बिजनेस वो खत्म होती है। इसको रिवाइज कर देते हैं। गवर्नमेंट बिजनेस में बेसिकली आरबी प्रोवाइड करती है, आरबी अपनी ब्रांचेस के साथ साथ एजेंसी बैंक्स को इन्वॉल्व करती है। एजेंसी बैंक्स क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इन टर्न उनको एजेंसी कमीशन दिया जाता है। उसके अंदर जो पहली प्रोविजन आती है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस में क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम फॉर डायरेक्ट टैक्सेस बनाया गया, उसकी प्रोविजन या गाइडलाइंस थी उसको आपने फॉलो करना है। उसके अंदर क्या है कि अगर एक पर्सन आपको चेक के थ्रू पैसा देके जाता है टू डिपॉजिट द चलान, तो आपने क्या करना है, उसको टोकन इशू करना है। जिस दिन आपके पास पैसे रिलाइज हो जाएगा आपने क्या करना है, रिसीटेड कॉपीज ऑफ चलान इशू कर देनी है। आपको जो रिसीटेड कॉपी चलान है वो 4 to 5 days के अंदर इशू करनी है। एंड इसके ऊपर आपने डबल डेट स्टैम्प करनी है, एक डेट जिस दिन आपको चलान मिला था, एक डेट जिस दिन आपको एक्चुअल रियलाइजेशन हुई है। उसके बाद जो भी बैंक ने क्या करने हैं, दूसरे बैंक के ऊपर जो चेक्स ड्रॉ किए गए हैं वो भी उन्होंने क्या करना है, एक्सेप्ट करने हैं। अब करंट सिस्टम वो चलता है, दैट इज नोन एज ओल्टास, ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम, जो जिसके अंदर सभी सभी चीजें क्या होंगी ऑनलाइन बेसिस के ऊपर होती हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक ही चलान बनाना है, सिंगल कॉपी बनती है। उसके अंदर आपने सीन को मेंशन करना है जिसको बोलते हैं चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके साथ साथ अगर आपको चेक्स के थ्रू पैसा मिला है तो सेम अपने पेपर टोकन इशू कर देने हैं, ठीक है। जिस दिन रियलाइजेशन होगी उस दिन आपको चलान इशू कर दिया जाएगा। जो आपने टेयर ऑफ पोर्शन आप दोगे टैक्स पेयर को, उसके ऊपर सिन तो मेंशन करना ही है, उसके साथ साथ आपको बीएसआर कोड, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ चलान भी मेंशन करनी है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, टेयर ऑफ पोर्शन ऑफ चलान सेम डे ही आपको क्या कर देना है, पर्सन को वापस कर देना है। इन केस चलान डिपॉजिट हो रहे हैं थ्रू द नॉन कंप्यूटराइज्ड और नॉन नेटवर्क ब्रांचेस, तो उनकी जिम्मेवारी क्या है कि जो भी नियरेस्ट नेटवर्क ब्रांचेस है उनके पास ये इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी जाए, ताकि जो भी टिन है टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है उसके ऊपर ये डिटेल क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। उसके बाद जो ओल्टास है वो करंट प्रोसीजर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। करंट प्रोसीजर क्या था, सेंडिंग ऑफ स्क्रोल्स एंड चलान्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर द अपडेशन, रीजन बिंग, अब सारी की सारी डिटेल्स वो क्या है, ऑनलाइन बेसिस के ऊपर ही अपडेट हो रही है। उसके बाद ये एडवाइस करा गया कि जो भी आपके सेल्स एंड नागपुर एंड टिन को क्या कर दो, आपस में लिंक कर दो, ताकि टू वे कम्युनिकेशन बेटर हो सके। उसके बाद टैन और पैन की आपने क्या करनी है, वेरिफिकेशन करनी है। उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको क्या करेगा, एक सीडी प्रोवाइड करेगा, सीडी जो आपको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर प्रोवाइड करी जाएगी, जिसके अंदर पैन और टैन मास्टर की डिटेल्स होंगी, किन किन लोगों के क्या पैन है, उनके नाम एड्रेसेस वगैरह सारी चीजें उसके अंदर होंगी। जो भी पर्सन आपके पास चलान डिपॉजिट कराने आएगा उसका आपने क्या करना है, पैन एंड टैन वेरीफाई करना है सीडी के अंदर। इनकेस उसका पैन टैन अवेलेबल नहीं है तो आप उसको क्या बोलोगे, भाई ओरिजिनल कॉपी पैन या टैन की लेके आए, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आए जिससे पता लग जाए ये पैन या टैन दे रही है। जब तक उसका पैन या टैन वेरीफाई नहीं होता आप क्या नहीं करोगे, उस चीज को चलान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। जब आपने सेल्फ सिस्टम टैक्स एडवांस टैक्स जमा कराना है तो उस केस के अंदर चलान यूज होते हैं, चलान नंबर 280 एंड 282। उस केस के अंदर आपको क्या जरूरत होती है, पैन की जरूरत होती है। जब आप टीडीएस टीसीएस के चलान जमा कराते हो तो आपको चलान जमा कराने होते हैं अंडर द चलान 281, उसके लिए आपको क्या जरूरत होती है, टैन की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट और पेंशन के लिए भी क्या करा जाता है, बैंकिंग सर्विसेज की हेल्प लेती है गवर्नमेंट। उसके अंदर बेसिकली क्या है, आप सिंगल अकाउंट में, जॉइंट अकाउंट में, किसी और पर्सन के अकाउंट के अंदर पैसा डाल सकते हो। जो भी आपका जॉइंट अकाउंट है वो फॉर्मर और सर्वाइवर है, इधर और सर्वाइवर बेसिस के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। जिस दिन गवर्नमेंट ने पैसा क्रेडिट कर दिया उस दिन गवर्नमेंट की लाइबिलिटी पूरी खत्म हो जाती है। उसके बाद जो भी बैंक के अंदर ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर गवर्नमेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। उसके बाद जो पेंशन होगी वो जब तक पेंशनर जिंदा है तब तक ही पेंशन उसको प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। जब पेंशनर की डेथ हो जाती है तो क्या करना है, पेंशनर की फैमिली की जिम्मेवारी है कि वो जाके बैंक को बताएं कि हमारे ये मेंबर था, ये पेंशन ले रहा था, इसके अब डेथ हो चुकी है, इसके आप पेंशन क्या कर दो, स्टॉप कर दो, ठीक है। इन केस वो पेंशन स्टॉप नहीं होती है, उस अकाउंट के अंदर पैसा रॉन्गली क्रेडिट किया जाता है, तो वो पैसा क्या करा जा सकता है, उनके फैमिली मेंबर से रिकवर करा जा सकता है या उसी अकाउंट के थ्रू रिकवर करा जा सकता है। इन केस पेमेंट ऑफ अरियर्स कोई आपको पे कर, इन केस पेंशन के कुछ अरियर्स आपको पे करे जाते हैं तो वह या तो जॉइंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे या जो भी नॉमिनी होगा उनको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर जो पेंशनर अकाउंट है, जो एग्जिस्टिंग पेंशनर अकाउंट है, वो अपने अकाउंट को जॉइंट अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कराना चाहता है तो क्या करेगा, बैंक ब्रांच के अंदर एप्लीकेशन देगा एंड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी उनका जो भी स्पाउस होगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे। सेम की सेम इंस्ट्रक्शन उनके ऊपर भी लगेंगी जो क्या करेंगे, नए पेंशनर अकाउंट्स खुलवाने वाले हैं। उसके बाद कुछ स्टेट्स या मिनिस्ट्रीज ये अलाउ नहीं करती हैं कि आप अपने जॉइंट अकाउंट्स किस स्पाउस के अलावा किसी और पर्सन के साथ खुलवा सको, तो उस केस में आपने क्या करना है, जो भी स्कीम की प्रोविजंस है उसके अंदर आपने रहते रहते सारे काम करने हैं। उसके बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको क्या करना है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बेसिकली क्या है, पेंशनर को रिक्वायरमेंट थी कि आपने हर साल नवंबर के अंदर अपना लाइफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है जिससे पता लग सके कि आप जिंदा हो, आपकी पेंशन कंटिन्यू रहनी चाहिए, स्टॉप नहीं होनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, jeevanpraman.gov.in एक आधार बेस्ड सॉरी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एक वेब पोर्टल लॉन्च करा है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैंकों को यह कहा गया कि आपने क्या करना है, स्पेसिफिक प्रोविजंस या स्पेसिफिक स्टेप्स लेने हैं ताकि स्कीम को क्या करा जा सके, इंप्लीमेंटेशन करा जा सके। इनकेस जो बंदा है वो लाइफ सर्टिफिकेट काउंटर देना, ओवर द काउंटर देना चाहता है तो ओवर द काउंटर भी दे सकता है। उसके लिए बैंक को क्या करना है,
एक एक्नोलेजमेंट इशू करनी है। उससे बैंक्स ये भी कर सकते हैं कि आप क्या करो, आप मैनुअली एक्नोलेजमेंट देने की जगह क्या करो, सेम चीज को क्या करो, सीबीएस के अंदर ही अपडेट कर दो। जब आप सीबीएस के अंदर लाइफ सर्टिफिकेट को अपडेट कर दोगे, उसके दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो आप सिस्टम जनरेटेड उसको एक्नोलेजमेंट प्रोवाइड कर पाओगे, सेकंड रियल टाइम बेसिस पे क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड्स की अपडेशन भी हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आज का हम लेक्चर खत्म करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, गवर्नमेंट बिजनेस तक डिस्कस कर लिया। इस चैप्टर का सिर्फ एक पार्ट रह गया, दैट इज रिगार्डिंग द फ्रॉड्स, फ्रॉड्स की किस तरीके से क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग करी जाएगी। इस पार्ट को हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कवर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने वाले। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए 10 out of 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सके। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई सूट ऐप डाउनलोड करके वहाँ ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030, एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।